स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में। हे गाइस, वेलकम टू न्यू डे एंड माय न्यू ब्लॉग। तो अभी लेने के लिए आए, चलो देख बैठ जाओ और हम निकलते घर पे। और आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, तो घर पर जाके एडिट करके फिर अपलोड करेंगे। घर पर जाने के बाद मिलेंगे, चलो। सो आ चुके हम घर पे। सो हम नाश्ता कर रहे हैं एक न्यू मिठाई का, जाजरिया बोलते हैं इसको। और ये दीदी ने, हाँ, और ये राजस्थानी मिठाई है और ये दीदी ने बनाई है और ये यहाँ पे बन रही है। कम्प्लीट हो गई, खाने के लिए तैयार। खाना बन रहा, खाना बनने में टाइम है, तो अब इसका लुफ्त उठाते हैं। मस्त लग रही। सो हम आए थे मार्केट, और जो पुष्पा फिल्म का हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ये आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। मैं हमें वीडियो बनाने वाले, बट वो कैसा वीडियो है, क्या वीडियो है, वो बाद में बताता हूँ। तो उसके लिए तैयारी करनी है, वो पुराना वीडियो है, उसके लिए हमें चीज़ें नहीं मिल रही। हम दादाजी दरबार के इधर आए थे, मुझे लगा यहाँ पे मिल जाएगा, तो लेट से मिलता है कि नहीं। तो हमें आधा सामान मिल चुका है, तो अब आधा सामान और बाकी है, तो अब देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। कोशिश कर रहे हैं हम, एकदम करीब करीब आए। आपको मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एक दो ब्लॉग बाद में आपको समझ में आ जाएगी। एक या दो तारीख तक आपको मैं रिवील कर दूंगा कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ काम हो जाए उसके बाद बताऊँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम अटक जाता है बीच में। सो इस बार काम पूरा होगा उसके बाद ही बताऊँगा, ठीक है? तो वेट करो, दो तीन दिन का टाइम है। सो मार्केट में घूम घूम के हालत खराब हो गई है, प्रॉपरली चीज़ें मिल नहीं रही, अब क्या करें। गली में बोला पीछे, हाँ, ये वाली गली में जाना। धूप में घूम घूम के काले हो गए पूरे। तुम्हारे वीडियो की रिक्वायरमेंट है काला होना। हाँ, सेम कुछ ऐसा है कि हमें कॉम्बिनेशन वाले क्लोथ्स भी नहीं मिल रहे, मतलब कॉस्ट्यूम। अब क्यों वेट करो। सो हमने पूरा शहर घूम दिया, पूरा खंडवा घूम दिया, अब शहर के उस कोने पे जा रहे हैं, उस कोने पे। हाँ, और पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतना घूम लिया, खत्म हो गया। चलो पेट्रोल डलवा लेते। धूप में घूम घूम के पूरा थाला करा देना भाई, पूरा एकदम कैरेक्टर में आ जाएंगे हम, है ना। एक तो मार्ट बचा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं, मार्ट पे देख लेते मिलेगा कि नहीं, वो लास्ट उम्मीद है हमारी। उसके बाद में फिर घर निकलेंगे, भूख भी बहुत लग रही, खाना वाना कुछ खाया नहीं है, तो चलो। तो पेट्रोल पंप इतना दूर है, वो गाड़ी हो चुकी है बंद, वो अब यहाँ से धक्का के ले जाएगा अभिषेक। हम तो उतर गए भाई, आ जा धक्का के लिए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ रुक जा, रुक जा ऐसे। चलो पेट्रोल लगवा लेते, फिर मिलते पेट्रोल पंप पे। हम आ गए वैसे, और यहाँ के यहाँ ये धक्का के नहीं ला रहे। धक्का ले भाई, धक्का ले, धक्का ले। डलवा चुके हम पेट्रोल, और अब वापस से सब ना करने का जूस, अब सीधे सामने शॉपिंग के लिए जाना, तब मिलते। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमें यहाँ पे भी नहीं मिला है, सो देखते अभी घर निकलेंगे। फिर भूख बहुत लगी है, हालत खराब हो रही है, कैरेक्टर में आते जा रहे हूँ। वैसे इशारों में समझ गए कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो कमेंट में बताना। बाकी अगर नहीं समझे तो दो तीन ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो सबमिट करो। सो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, अपनी हालत खराब करके अब घर के अंदर जाते हैं। और हमारे अमेजोन से पार्सल आ गया, तो वो पार्सल भी चेक कर लेते हैं। चलो, तो अमेजोन से आ चुका है, ये है अपना पार्सल, वो पार्सल को अभी तक ओपन नहीं किया है, तो चलो ओपन करते हैं। ये अनबॉक्स हो रहा है, वैसे इसका टेक्नोलॉजी पे मैं प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, जो की है टेक्नी यूनिवर्स अपने चैनल का नाम, तो वहां पे जाकर पूरा वीडियो देखना। और उसके पहले अमेजोन जिसने पार्सल दिया था उसको कॉल लगा कि भाई डैमेज पीस कैसे दे गया वो। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल वाले में। हमने अनबॉक्स तो किया है और कुछ प्रॉब्लम भी आई है, लेकिन उन सब के बारे में कल वाले ब्लॉग में बताएंगे। वो उसका ब्लॉग देखना है तो कल तक का वेट करना, मैं कल वाले ब्लॉग में इसका फुटेज डाल दूंगा, क्योंकि वो फुटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो कल वाले ब्लॉग का हमारा टॉपिक है। हम कपड़े चेंज करते हैं और आज के जो शूट का प्लान है वो भी कल हो चुका है, तो चलो कल ही मिलेंगे।
दीदी और मम्मी दोनों आ गए, अपना काम खत्म हो गया, घर संभाल लिया हमने 5 घंटे तक। हम शूट भी नहीं करने जा पाए, पता है मैं शूट भी नहीं हुआ इस चक्कर में। तो बाद में मिलते हैं, अभी एडिट करना है वो कल वाले शूट की तैयारी कर। ये झंडे है, तैयारी हो रही है, उधर मंदिर सज रहा है। ये सजावट यहाँ पे की गई है, ऊपर से इतनी दिख नहीं रही क्योंकि लाइटिंग नहीं आ रही है, नीचे से अच्छी दिखेगी। तो जो हमने सजावट ऊपर से दिखाई थी वो नीचे से ऐसी दिख रही है, बहुत ही प्यारी दिख रही है, लेकिन दिन में और अच्छी दिखेगी। अभी तैयारी चल रही है, तो चलो कल से यहाँ का ब्लॉग चालू हो जाएगा, तो कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं। सब काम हो गए? नहीं हुआ, अभी काम थोड़ा बाकी है, तो सब काम कर लेंगे। सो यहाँ की भी सजावट हो चुकी है, यहाँ पे एक्चुअली टेंट लगाया गया है। सो यहाँ पे टेंट क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरकांड होने वाली है, इसलिए टेंट लगाया गया है। तो अभी यहाँ पे भजन चल रहा है, तो कल वाला ब्लॉग देखना ना भूले। और परसों वाला ब्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें महाशिवरात्रि का पूरा ब्लॉग बताने वाले, तो क्या क्या फंक्शन होंगे वो भी बता देंगे। तो ठीक है, इस ब्लॉग को इसी के साथ में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय बाय। और कल और परसों वाला ब्लॉग देखना ना भूले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक वो वाला वीडियो पहुंच सके। चलो बाय।